Hello everyone. So once more I am here with the topic voice. कल हम लोग पढ़े कि present indefinite tense के active voice को passive voice में कैसे change करते हैं. उसी tense में एक हिस्सा आपका बचा हुआ है जिसमें आपको ये जानना है कि हम passive voice whom और what के साथ कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस विद हूम एंड व्हाट. देखो हूम एंड व्हाट दीज बोथ आर क्वेश्चन वर्ड. ये जब किसी सेंटेंस में यूज होंगे तो वहां पे क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, जनरली क्वेश्चन क्रिएट करेंगे. अब हमको ये जानना है कि अगर हूम और व्हाट किसी सेंटेंस में आकर क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो क्या उसके लिए भी हम वही रूल फॉलो करेंगे जो हम लोग पिछले वीडियो में स्टडी किए, जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े, या इसके लिए कुछ अलग होगा. तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए थोड़ा सा हमको अलग सोचना होगा, थोड़ा सा हमको अलग प्रयास करना होगा. पहले मैं आपको बता दूं कि जो हूं होता है वो अपने आप में सब्जेक्ट होता है. हूं इज अ सब्जेक्ट इन इटसेल्फ. Whom is the itself a subject and whom works as question word too. Whom जो होता है वो subject भी होता है और whom जो होता है वो question word का भी काम करता है. जैसे हमें यहां पे लिखा है कि whom tis you. अब यहां पे आप देखिए ये जो whom है वो आपका subject के place पे है और यही whom आपका question word है, इसके चलते ये sentence किस में है, interrogative में है. यही सिचुएशन व्हाट के साथ भी होती है. जैसे हमने यहां पे लिखा व्हाट व्हाट डज सी राइट, ये एक सेंटेंस है. व्हाट डज सी राइट, जब व्हाट सेंटेंस में होता है तो यह ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है. मींस व्हाट जब आपके एक्टिव वॉइस में यूज होता है तो यह ऑब्जेक्ट की तरफ फंक्शन करता है. यहां पे व्हाट क्या है, ऑब्जेक्ट है. व्हाट डज सी राइट, सी यहां पे क्या है, आपका सब्जेक्ट है. सो अब इनको हम जब वॉइस में चेंज करेंगे तो हम कैसे क्या करेंगे, यह हमको आज जानना है. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हूं जो है वो नॉमिनेटिव केस है. हूं का ऑब्जेक्टिव केस हूं होता है, बट इन मॉडर्न इंग्लिश हूं का ऑब्जेक्टिव केस हूं भी होता है. हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जनरली इन द ट्रेडिशनल इंग्लिश इट इज हूं. नेक्स्ट जो है व्हाट आपका नॉमिनेटिव केस भी है और व्हाट आपका ऑब्जेक्टिव केस भी है. सो व्हाट परफॉर्म्स द रोल ऑफ बोथ नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस. तो अब एक चीज तो हमको समझ में आ गया कि हम हूं को ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, व्हाट को ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे. ये बात हमको समझ में आ गया कि हूं का ऑब्जेक्टिव केस हूम होता है, हूम का नॉमिनेटिव केस हूं होता है. मॉडर्न इंग्लिश में हूं का ऑब्जेक्टिव केस हूं ही लिखा जाता है. यहां व्हाट दिया हुआ है, व्हाट आपका नॉमिनेटिव केस भी है और व्हाट आपका ऑब्जेक्टिव केस भी है. अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम करते कैसे इसको हैं. जैसे यहां पे सेंटेंस है हूं बीट्स यू, सेंटेंस दिया हुआ है हूं बीट्स यू. अब हूं बीट्स यू में आप देखिए यहां हूं दिया हुआ है, ये हूं आपका क्वेश्चन वर्ड है, हूं आपका सब्जेक्ट भी है. अब अगर इसको हम चेंज करके यहां लेके आए तो क्वेश्चन वर्ड का काम कौन करेगा, तो क्वेश्चन वर्ड में प्रॉब्लम आ जाएगी. इसलिए हूं को हम जहां पे है वहीं रहने देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे. तो इसके लिए दो तरह के फार्मूले आपको मिलेंगे. पहला, हम यहीं पे हूं को बाय हूं करेंगे, उसके बाद से यहां बी का फर्स्ट फॉर्म
इसमें से कोई एक लेंगे। अब यहां पे जो ऑब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट का हम नॉमिनेटिव केस लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और हम यहां क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दूसरा हमारे पास एक और तरीका है, इसमें हम क्या करेंगे, केवल यहां हम होम लिखेंगे, बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस लगना है यहां पे, वर्ब थर्ड फॉर्म। अब ये जो बाई है यहां लास्ट में चला आएगा, ऐसे हो गया। तो दोनों तरीके से ही हम चेंज कर सकते हैं। एक सेंटेंस जो यहां पे है हू बीट्स यू, इसको चेंज करके देखते हैं। हू को हम बाई हूम किए, अब ये जो हूं यहां सब्जेक्ट था अब वो बन गया ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है यू वह बनेगा सब्जेक्ट, तो उसके हिसाब से जब हम वर्ब लगाएंगे तो आर होगा, बाय हूम आर ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस, मतलब ऑब्जेक्ट यू है उसका नॉमिनेटिव केस यू, बाय हूम आर यू बीटेन, ये आपका हो गया। इसी को आप अलग तरीके से दूसरे फॉर्मूले के हिसाब से भी लिख सकते हैं, हूम आर यू बीटेन बाय। तो इस तरह से हूं से स्टार्ट होने वाले एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट के साथ क्या इश्यू है। एक सेंटेंस है, व्हाट डज सी से, व्हाट डज सी से, हमारे पास सेंटेंस है व्हाट डज सी से, लेकिन सबसे पहले इसका हम फॉर्मूला आपको बता दें कैसे इसको हम सही जगह पे रखेंगे। व्हाट जो है वह यहां पे ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्टिव केस में है, और सी यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यह नॉमिनेटिव केस में है। तो चेंज करना क्या है, इसको हमको ऑब्जेक्ट में चेंज करना है और इसको हमको सब्जेक्ट में चेंज करना है। यह जब तक होगा नहीं तब तक वॉयस नहीं हो पाएगा। तो मैंने क्या बताया आपको, व्हाट का ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस दोनों सेम होता है, व्हाट का ऑब्जेक्टिव केस भी व्हाट है और नॉमिनेटिव केस भी व्हाट है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, व्हाट जो ऑब्जेक्ट है अब ये बन गया सब्जेक्ट, और इसके तुरंत बाद बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर में से कोई एक लगाएंगे, बी का फर्स्ट फॉर्म तीनों होता है लेकिन कोई एक लगाएंगे। अब यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई लगाएंगे और सब्जेक्ट का कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस क्वेश्चन मार्क। व्हाट डज सी से को बनाना है, व्हाट को हम व्हाट लिख देंगे, अभी यहां व्हाट ऑब्जेक्ट है इसलिए यहां पर सी सब्जेक्ट है, अब ये व्हाट जो है यहां पर सब्जेक्ट बन गया, ये ऑब्जेक्ट है यहां पैसिव में, ये सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट बन गया तो अपने बाद तुरंत वर्ब लेके आएगा। व्हाट जब भी सब्जेक्ट का काम करता है या हूं जब भी सब्जेक्ट का काम करता है तो वह सिंगुलर नंबर रहता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज किया जाता है। व्हाट इज एज सब्जेक्ट हियर
and it will take singular number verb. So what is the singular one from is am are? Is, what is, after that verb third form, so say verb hai iska third form, what is said, then by, आपका सब्जेक्ट सी है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, तो व्हाट डज सी से का पैसिव वॉइस हो जाएगा व्हाट इज सेड बाय हर। तो इस तरह से व्हाट और हू को भी हम चेंज कर लेंगे, या कह सकते हैं कि व्हाट और हू से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को भी हम एक्टिव से पैसिव में कर लेंगे। अब एक चीज और आती है, अभी तक तो मैं बार बार बोल रहा था कि ऑब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट हो, लेकिन अभी क्या है कि अब ये होता है कि कोई जरूरी तो नहीं है कि एक सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट आया हो। जैसे मान लीजिए यहां पे हमने लिखा है कि सी टीच मी, यहां पे लिखा हुआ सी टीच मी, यहां लिखा हुआ है सी टीच मी इंग्लिश, ये है। इन द फर्स्ट सेंटेंस सी टीच मी, ओनली मी इज एन ऑब्जेक्ट। हियर इन द सेकेंड सेंटेंस सी टीच मी इंग्लिश, मी एंड इंग्लिश बोथ आर ऑब्जेक्ट्स। तो अब ये है कि भाई अभी तक तो मैंने जो भी आपको सेंटेंस बताया उसमें सिंगल ऑब्जेक्ट रह रहे थे, अब ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल ऑब्जेक्ट के जगह आपको डबल ऑब्जेक्ट्स मिल जाए, दो दो ऑब्जेक्ट मिल जाए। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के विषय में स्टडी करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। अब अगर ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट की बात करें, सो इट इज ऑफ टू काइंड्स, इट इज ऑफ टू काइंड्स, फर्स्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये समझना बहुत जरूरी है। देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में वह ऑब्जेक्ट आता है जो नॉन लिविंग होता है, निर्जीव होता है, जिसमें जान नहीं होती है, जिसमें जान नहीं होती है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे यहां मी भी ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, तो मी में लाइफ है, इंग्लिश में लाइफ नहीं है, तो इंग्लिश यहां पे कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसमें जान होती है, जो लिविंग होता है, और अगर वह ऑब्जेक्ट है तो क्या है उसको बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहां सी टीच मी इंग्लिश में इंग्लिश हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मी में जान है, मी लिविंग है, तो मी हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि इट इज ऑफ टू काइंड्स, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फर्स्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, लिविंग को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यह बात तो क्लियर हो गई। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब दोनों आ जाएंगे तो उसमें से किसको निकालकर सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखेंगे यह जानना जरूरी है। देखिए अब जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, सी टीच मी इंग्लिश, इंग्लिश। अब यहां देखिए दोनों ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, मी भी दिया हुआ है,
इंग्लिश भी दिया हुआ है। अब देखिए जनरल सी बात है, अगर आपके पास दो चीज है, एक लिविंग है और एक नॉन लिविंग है, कुछ कंडीशन में छोड़ दिया जाए तो लिविंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लिविंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और नॉन लिविंग को कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमको लिविंग को देना है। तो इसी तरह से इंग्लिश ग्रामर में भी अगर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आएंगे तो सबसे पहले हम किसको इंपॉर्टेंस देंगे, लिविंग को, उसके बाद से किसको, नॉन लिविंग को। ये हमारा रूल है। इसीलिए देखिए आप यहां पे सी टी स्मी, हमने पहले मी लिखा है और फिर उसके बाद से इंग्लिश लिखा गया। कभी कभी आपको ये देखने को मिलता होगा कि नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट है वो पहले होता है और लिविंग ऑब्जेक्ट बाद में होता है, तो ऐसे कंडीशन में बहुत ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, हर जगह कुछ न कुछ व्यवस्था बनी हुई है। अब देखिए भाई, आप जैसे कहीं पर जा रहे हैं, हेलमेट लगा के आपको बाइक चलाना है, यह रूल कहता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप हेलमेट उतार देंगे तो बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी या बाइक चलेगी ही नहीं। बाइक तब भी चलेगी लेकिन ट्रैफिक पुलिस पकड़ेगी तो आपको पेनाल्टी लगाएगी, आपके ऊपर चार्ज लगाएगी। तो रूल ये कहता है कि पहले हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए, लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट नॉन लिख करके डायरेक्ट लिख देंगे तो ऐसा थोड़ी एक सेंटेंस नहीं बनेगा, तब भी बनेगा, तब भी होगा, लेकिन हमें पेनाल्टी लगाना होगा, पेनाल्टी देना होगा, तब जाकर के वो सेंटेंस लिख पाएंगे। अब वो पेनाल्टी फॉर्म में हम किसको लगाएंगे, टू, ये हमारा पेनाल्टी है। इसी सेंटेंस को अगर हम एक्टिव में ही लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, सी टिस इंग्लिश, सी टिस इंग्लिश टू मी, सी टिस इंग्लिश टू मी। अब ऊपर का सेंटेंस देखिए, नीचे का सेंटेंस, ऊपर का सेंटेंस रूल के अकॉर्डिंग एज है, इसलिए उसमें किसी भी तीसरे पर्सन की जरूरत नहीं पड़ी है। नीचे के सेंटेंस में हमने पहले इनडायरेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया, सॉरी डायरेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया है और तब जाकर के इनडायरेक्ट को लिखा है, इसलिए पेनाल्टी फॉर्म में हमको टू लगाना पड़ेगा। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट रूल के हिसाब से नहीं है, रूल के हिसाब से इनडायरेक्ट को ही पहले लिखना है, और अगर आप चाहते हैं कि हम पेनाल्टी फॉर्म में टू को वहां लगाएं तो आप पहले डायरेक्ट को यूज कर सकते हैं। अब इसका वॉयस कैसे बनाएंगे, इसके वॉयस में भी भाई सीधी सी बात है, अगर हम पैसिव वॉयस में इसको चेंज करेंगे तो सीधी सी बात है, अगर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेन है तो हम निकालेंगे किसको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को निकालेंगे तो सी टिस मी, इंग्लिश में से मी निकल के आया, मी आएगा तो सब्जेक्ट के प्लेस पे आई होगा, आई के साथ हम एम लगाएंगे, एम जब लग जाएगा तो आई एम टीच का थर्ड फॉर्म आपका टॉट होगा, आई एम टॉट क्या, आई एम टॉट इंग्लिश बाई हर हो गया आपका। अब इसमें भी अगर आप चाहते हैं कि हम इंग्लिश को पहले निकालें तो भाई पेनाल्टी तो आपको लगाना पड़ेगा, टू वाला पेनाल्टी देना पड़ेगा, तो इंग्लिश निकालना। अब इंग्लिश के साथ वर्ब इज हो जाएगा, इंग्लिश इज टॉट टू मी बाय हर। तो इस तरह से अगर हमारे सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आए तो हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कर लेंगे। अब इस तरह से हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस या कहें प्रेजेंट इनफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया। कल हम लोग शुरू करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस और एक ही दिन में प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और कुछ एक्सेप्शनल रूल के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को भी हम लोग पढ़ लेंगे। साथ ही साथ कल मैं 20 प्लस सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए लेके आऊंगा, जिन सेंटेंसेस को डिफरेंट काइंड्स ऑफ वन डे एग्जामिनेशन में लास्ट टाइम में दिया जा चुका है, जिसमें
कैसे मैं आपको बताऊंगा कि ये जितने भी टेक्निकल सेंटेंसेस रहेंगे उसमें क्या फॉल्ट है, कैसे एक्टिव से पैसिव में करेंगे, कैसे हम फॉल्ट को फाइंड आउट करेंगे। तो कल का जो क्लास रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा, क्योंकि कल केवल आपको पढ़ाया ही नहीं जाएगा बल्कि कल आपकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, जिसमें बहुत सारे ऐसे टेक्निकल सेंटेंसेज रहेंगे जिसमें हम बहुत सारा मिस्टेक करते हैं और उसको हम लोग कल सीखेंगे। थैंक यू सो मच।